नमस्कार आर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय मेरा खास शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2022 इस बार यूपी का, उसके तहत आज मौजूद हैं बछरावा विधानसभा के समराहा गांव में, जो लगभग बछरावा से 30 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। तो यहां पर महापंचायत है, ग्रामीण बैठे हैं, आइए इनसे राय लेते हैं कि आखिर ये अपना मुख्यमंत्री किसे चुनेंगे, क्या योगी जी के कार्यों से खुश हैं या फिर अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे या किसी अन्य पार्टी में इस बार अपना वोट देंगे। तो आइए इन्हें पूछते हैं, सबसे पहले युवाओं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि युवा जो है देश का भविष्य है। भाई साहब नाम क्या है आपका? शिव कुमार त्रिवेदी। इस बार किसे अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे आप? योगी बाबा। कन्फर्म? कन्फर्म। तो खाता खुल गया है योगी जी का, पहला जो वोट है वो योगी जी की तरफ है, इन्होंने कह दिया योगी बाबा को जिताएंगे। भाई आपका नाम क्या है? आगे खसा गई है पीयूष। आप किसे अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे? अखिलेश यादव जी को। काहे अखिलेश, योगी से नाराजगी का? और क्या, सब सारे धान के खेत चर गए हैं, देख लीजिए यहाँ पे चरवाहे जो गाय आती हैं पूरा धान चर जाती हैं, उनको देखने के लिए जाना पड़ता है, एक लोगों को एक खेत वहाँ है तो एक वहाँ है, पहले वहाँ दौड़ो फिर यहाँ दौड़ो। मतलब योगी जी के जो जानवर हैं उनसे परेशान हैं आप? जानवर से परेशान हैं। इसीलिए आप वोट नहीं देंगे? वोट भी नहीं देंगे, सपोर्ट भी नहीं करेंगे। वोट सपोर्ट दोनों नहीं? दोनों नहीं होगा। तो भाई साहब यहाँ पर जो है कांटे टक्कर देख रहे, एक भाजपा और दूसरा जो है सपाई के, दो लोग तो कांटे टक्कर है भी। तीसरे भैया ये युवा ही इनसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? आप किसे चुनेंगे? योगी जी को। जी, योगी जी के कार्य खुश हैं? जी बिल्कुल। अखिलेश जी में क्या बुराई है? नहीं, अखिलेश जी में बुराई कोई नहीं है, हैं अच्छे वो भी, लेकिन योगी जी जो है प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। अभी आपके साथी कह रहे थे कि गेहूं के धान फसल खुद जानवर चले जा रहे हैं। देखिए ये तो हमारा कर्म है, अगर हमने बुआई की है तो उसकी देखरेख तो करेंगे ही। अच्छा, अगर देखरेख नहीं करेंगे तो कहां से हो जाएगा फसल, कहां से? तो योगी जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी। तो भाई साहब यहां पर जो है टक्कर अब 2-1 की हो गई है, भाजपा के 2 समर्थक और सपा के 1 समर्थक। अब देखते हैं चौथे भी लोग बैठे, ये भी युवा है, इनसे भी पूछ लेते हैं आखिर इनकी राय क्या है। क्या नाम आपका? संदीप अवस्थी। आप किसे चुनेंगे? हम तो योगी बाबा को चुनेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, खुश हैं काम से? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी बता रहे थे रोड नहीं बनी। रोड नहीं बनी, जब अपने घर की कॉलोनी नहीं बनवा रहे आदमी तो पूरे संसार को चला रहे हैं। अच्छा, फिर भी आदमी संतुष्ट नहीं है? युवा खुश है योगी जी कहकर? बहुत खुश है। अच्छा, बहुत खुश है। तो भाई साहब अब भाजपा का पड़ रहा है यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। दरअसल यहाँ पर 3 समर्थक अभी भाजपा के, 1 समर्थक सिर्फ समाजवादी पार्टी के, तो कहीं ना कहीं योगी जी भारी नजर आ रहे हैं अखिलेश जी पर। दादा आपका क्या नाम है? आप किसे चुनेंगे मुख्यमंत्री? योगी जी को। देखिए दादा ने भी कह दिया कि हम योगी जी को चुनेंगे, तो अब जो टक्कर हो गई है वो 4-1 की हो गई है, 1 सपा का और 4 भाजपा के, तो योगी जी भी भारी है। आपका नाम क्या? बैठे रहिए। वीरेंद्र कुमार अवस्थी। आप किसे अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे? मेरा मुख्यमंत्री योगी जी होंगे। योगी जी? हाँ जी। क्या हाँ बात है सब? क्या बात है सब? योगी योगी कर रहे हैं? नहीं नहीं, योगी जी के अंदर ऐसी खासियत की जो चीज दृढ़ संकल्प ले लेते हैं उसको करके दिखाते हैं, झूठा वादा कभी न किया है न करेंगे, इसीलिए जनता का विश्वास पूरी तरह उनके ऊपर हो गया है और जनता उनको वोट देगी। अच्छा, बता रहे थे कि जानवर बहुत परेशान करते रहे। नहीं, जानवर परेशान कर रहे हैं उसके लिए सरकार जो है पूरी व्यवस्था कार्यक्रम कर रहा है और आगे चल के वो पूरा तरह से जानवर को हटा लिया जाएगा, खेतों में कोई चलने नहीं जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पर जो टक्कर अब बढ़कर 5-1 की हो गई है, योगी जी के जो है 5-1 की हो गई है, योगी जी के 5 समर्थक और समाजवादी पार्टी के 1 समर्थक, कांग्रेस का भी खाता नहीं खुला है। आइए देखते हैं अगले इनका क्या राय है। भाई आपका नाम क्या है? आप किसे मुख्यमंत्री चुनेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, क्यों योगी जी के कार्यों से नाखुश है क्या? जी बिल्कुल। अखिलेश जी के कोई कार्य बता दीजिए जो पिछले 5 वर्षों में किए हो, जब मुख्यमंत्री थे क्या नहीं किए ये बताइए। क्या किया उन्होंने? क्या नहीं किया? अरे बताइए हमको नहीं पता। 112 नंबर उन्होंने चलाया, 100 नंबर चलाया उसको बदल के 112 कर दिया गया, एम्बुलेंस उन्होंने चलाया, नहर की सिंचाई माफ किया, क्या नहीं किया बताइए। लेकिन आपके गांव में ही परला भाई नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, परला भाई नजर आ रहा है, इन लोगों की बात आप मत करिए। काहे ये कौन है? नहीं नहीं, वो वोटर है ना? नहीं, वोटर जरूर है, लेकिन कुछ वोटर होते हैं कुछ सपोर्टर होते हैं। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वोटर नहीं, इनका खेत नहीं, खेत चले जाते हैं लेकिन फिर योगी जी का वोट दे रहे हैं। लेकिन इनको होगा कोई अपना पर्सनल लाभ होगा, इसलिए लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो आप अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे? लाभ की जरूरत नहीं, अखिलेश यादव को आप सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे अखिलेश यादव। तो भाई साहब यहाँ पर जो टक्कर हो गई है वो 5-2 की हो गई है, 5 भाजपा के 2 समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का खाता नहीं खुला। आइए हम अगले देखते हैं। भाई साहब बोलिए ना, भैया प्लीज बोलिए ना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशलेंद्र कुमार अवस्थी। आप किसे अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे? भारी जी राव। अखिलेश यादव, वैसे आप लग भी रहे कि समाजवादी पार्टी में ओछा डाले हैं, तो कोई
अखिलेश तो चुनेंगे जी। योगी जी से कहा नाराजगी है? योगी जी से हमको नाराजगी कुछ भी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो हमारा जितना कार्य हमारे यहाँ का अखिलेश यादव जी ने किया है, योगी बाबा जी ने नहीं किया है। क्योंकि हमारा जो विधायक यहाँ का है, विधायक बछरावा का, विधानसभा का विधायक जो है राम नरेश रावत, 5 साल हो गए हैं, फिर दोबारा इलेक्शन आने वाला है, फिर इसमें आएंगे कि हम योगी बाबा के नाम पर हमको वोट दे दीजिए। जैसे भिखारियों की तरीके से भीख मांग करके अपना जो है वो चुनाव जीतने की घोषणा करते हैं। मेरा विधायक जो वर्तमान समय में जो पूर्व विधायक हमारा रामलाल अकेला प्रति महीने हमारे लोगों के बीच में आता है और हमारी लोगों की समस्याओं को सुनता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे यहां का विधायक मेरा रामलाल अकेला विधायक बने। समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल। इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? हाँ, मुख्यमंत्री यहाँ का जो है अखिलेश यादव को ही। लेकिन आपके गांव में 5-3 का मामला चल रहा है? हम जहां तक कोशिश करेंगे कि हमारे गांव में 500-600 वोटर है, 500-600 वोटर में मैं सबसे ज्यादा वादा कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा वोटर मैं सपा को ही दिलाऊंगा। ठेका लेने क्या? ठेका है मेरे पास। अच्छा, क्योंकि मैं एक मुद्दे लेकर के चलूंगा। क्या योगी हमारे गाँव क्या अखिलेश जी के जो है जो समर्थक ठेकेदार भी हैं? हम अखिलेश के लिए नहीं, लेकिन अपने विधायक के लिए ठेकेदार बनूंगा। क्योंकि मेरा विधायक, मैं जब हम अपने गांव में से निकलता था घर से, तो टूहनी टूहनी गंदे पानी में से हम लोग निकलते थे, साइकिलों को कंधों पे रख करके जाते थे, तो रोड पर हम लोग साइकिल पर चलकर मऊ बाजार जाते थे। तो फिर जिसने मेरा विधायक रामलाल अकेला आ करके यहाँ पर हमने उनकी कौन से पार्टी से विधायक सपा से उनकी हम लोगों ने मीटिंग कराई और मेरा विधायक वो टाइम विधायक वर्तमान में नहीं थे विधायक, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जब अपना इलेक्शन लड़ने आऊंगा, जब अपना इलेक्शन लड़ने आऊंगा, जब पक्की मार्ग से ही आऊंगा। और उन्होंने जब चुनाव जब लड़ा, सबसे पहले हमारे गांव की पक्की सड़क को उन्होंने बनवा करके तब उन्होंने अपने वोट मांगे। मतलब अखिलेश जी को वोट देंगे? हम अखिलेश यादव को वोट देंगे। यह मामला जो है टक्कर यहाँ हो गया है, जो है अब जो लड़ाई हो गई है 5-3 की हो गई है। 3 समर्थक समाजवादी पार्टी के, 5 भाजपा, कांग्रेस का खाता नहीं खुला भाई। आइए अगले बात करते हैं। क्या नाम है आपका? करुणा शंकर अवस्थी। आप किसे मुख्यमंत्री चुनेंगे? हम मुख्यमंत्री कांग्रेस का चुनेंगे। खुल गया भैया खाता, 1 समर्थक कांग्रेस का, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे? यार 25 साल से ये सब चरागाह की नई चरके चले जात, कुछ काम नहीं होता। अरे लोग कह रहे 70 साल कांग्रेस सरकार भी रही है। 70 साल जौन कानून लागू कर दिए, जैसे राशन मिल रहा है वो 25 साल 40 साल से मिल रहा है, कोनो नया कानून लागू नहीं किए। योगी जी से कौन नाराजगी है? योगी कोनो नवा कानून जैसे सिंचाई माफ किए होती नहर के, कोनो काम किन। अरे किसान क्रेडिट कार्ड माफ नहीं किन? किसान क्रेडिट कार्ड 2 जन का माफ कर दिन, 50 जन टहरत है इसी वैसी लाइन लगाए। तो किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे कांग्रेस में? कांग्रेस में मुख्यमंत्री हमारे कांग्रेस के बनबे करी, जो पार्टी चाहिए वो देखकर चाहिए का बनाई। आप कैसे वोटर है कि आपको नहीं पता कि आपके मुख्यमंत्री कौन? इलेक्शन आवे दियो सब पता चल जाए, जैसे बरसाती मेंढक आए का सब टर बोलत है, और बरसात खत्म हो जाए तो मेंढक चले जाए। ये बात है? हाँ। तो मतलब कांग्रेस को वोट देंगे आप? हम कांग्रेस को वोट देंगे भाई साहब। कांग्रेस का भी खाता खुल गया है, लड़ाई अब हो गई है 5-3 और 1, मतलब 5 भाजपा के, 3 सपा को, 1 कांग्रेस के। दादा हैं सर, पूछे दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम संगठन है। किसे आप चुनेंगे मुख्यमंत्री? तो योगी साहब। योगी को आप किसे चुनेंगे? किसे? योगी। योगी का पलड़ा जो है यहाँ पर भारी, हमारे साथ कुछ बाहर भी खड़े आइए, आपसे पूछ लेते हैं कि आप किसे अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे? आ जाइए दादा, दादा आइए, दादा आओ। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम माता प्रसाद। किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे इस बार? मुख्यमंत्री बस जोन बना हुआ है रहा है। योगी होगा। दादा पूरा नाम बताओ अपन। हमारा नाम है माता प्रसाद यादव। यादव तो कह रहे हैं कि सपाई वोटर है। सपा है लेकिन हमसे जात से कोई मतलब नहीं। अच्छा, जात का चुनाव नहीं है? जात इसमें, जात का चुनाव में इसमें चुनाव। अखिलेश जी के कार्य खुश नहीं क्या? नहीं, हम नहीं खुश हैं। आप योगी को बनाएंगे? योगी को ही बनाएंगे। तो ये माता प्रसाद यादव जी थे, इनका साफ तौर कहना था कि योगी जी को ही हम वोट देंगे। तो यहाँ पर इस महापंचायत में साफ तौर पे योगी का, मतलब भाजपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव होगा, कौन मुख्यमंत्री बनता। फिलहाल यहाँ की जो राय है, यहाँ पर भाजपा के 6 समर्थक, कांग्रेस सपा के 3 और कांग्रेस के सिर्फ 1 समर्थक। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वीक नजर आ रही है इस महापंचायत में। कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2022 के? फिलहाल हम मिलेंगे कल एक अगले गांव में कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नए चेहरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आर एक्सप्रेस न्यूज।